हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे लाइफ इंश्योरेंस के वीडियो के साथ। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लाइफ इंश्योरेंस के वीडियो में देखा था आपको किस बेसिस पे टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, तो आज हम बात करेंगे आपको कौन से कंपनी से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है, पहले उस वीडियो को देखें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आए कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपको कैसे लेना है। और उसके बाद इस वीडियो पे आप आ सकते हो कि कौन से कंपनी से आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो चलो, हम लोगों ने डिसाइड तो कर लिया हम लोगों को टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना है, उसके साथ कौन कौन सा राइडर लेना है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, सब डिसाइड कर लिया। बट अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम लोग को जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना है वो किससे लेना है। मतलब इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है जो आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, बट इसमें से कौन से टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर को सिलेक्ट करें, वो कैसा डिसाइड करें। तो अभी हम लोग कुछ डेटा का एनालिसिस करेंगे, उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से कंपनी से लाइफ टर्म इंश्योरेंस लेना है। तो अभी हम लोग चालू करते हैं डेटा एनालिसिस को। तो इंडिया के सभी इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करती है IRDAI। तो IRDAI के पास पूरे इंश्योरेंस कंपनी का डिटेल जाता है और IRDAI उस डेटा के बेस पे रिपोर्ट इशू करता है। और इस अभी जो आगे हम लोग डेटा देखने वाले हैं वो पूरा IRDAI के वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से जो डेटा है उसको उठा के हम लोगों ने एनालिसिस किया है। तो डेटा जो है वो एग्जैक्ट है और आपको मैं लिंक भी दे दूंगा IRDAI के वेबसाइट का और रिपोर्ट का, जहाँ से आप इस डेटा को वेरीफाई भी करा सकते हो। तो ये जो एनालिसिस होगा वो 6 पैरामीटर के बेस पे होगा। तो इसमें पैरामीटर के बेस पे मुझे 3 कंपनीज मैंने आइडेंटिफाई की है, उसका डेटा मैं आपको दिखाऊंगा। शायद आप कुछ कंपनीज ऐसी है जो बहुत बड़ी कंपनीज है बट मेरे पैरामीटर में फिट नहीं हो पाई, तो उनका डेटा भी मैंने लास्ट स्लाइड में दे के रखा है, तो आप उसमें देख सकते हो कि किस पैरामीटर को फुलफिल नहीं कर पाई जिसकी वजह से मैंने उस कंपनी को मेरे एनालिसिस में नहीं रखा है। तो पहला पैरामीटर जो है वो है नंबर ऑफ क्लेम्स। तो मैंने ऐसे कंपनीज को आइडेंटिफाई किया है इस पैरामीटर के बेस पे कि उनके पास जो 2019-20 के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स है वो एटलीस्ट 2500 के ऊपर चाहिए। तो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर जो LIC ऑफ इंडिया के पास है वो 7.5 लाख से भी ज़्यादा क्लेम्स उनके पास आए हैं। उसके बाद जो HDFC लाइफ है उसके पास अप्रोक्सीमेटली 12,000 के ऊपर क्लेम्स आए हैं। और तीसरा जो है वो टाटा AIA है, उसके पास भी 2900 के करीब क्लेम्स 2019-20 के डेटा के हिसाब से आए हुए हैं। और सेकंड जो पैरामीटर है वो है अमाउंट ऑफ क्लेम्स। मतलब क्लेम्स तो आ गए, नंबर ऑफ क्लेम्स तो आ गए, लेकिन उस क्लेम्स का टोटल नंबर ऑफ अमाउंट कितना हुआ। तो इधर हम लोगों ने एक पैरामीटर रखा है कि एटलीस्ट मिनिमम 200 करोड़ का क्लेम तो आया हो। तो LIC ऑफ इंडिया के पास आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा क्लेम आया हुआ है अमाउंट में। उसके बाद HDFC के पास अप्रोक्सीमेटली 700 करोड़ का क्लेम अमाउंट के लिए आया है। उसके बाद जो है जो टाटा का जो है AIA उसके पास भी मोर देन 200 करोड़ का क्लेम अमाउंट के लिए क्लेम्स आए हुए हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो है क्लेम सेटलमेंट रेशो। नॉर्मली आपको कोई भी इंश्योरेंस वेबसाइट के ऊपर आप जाते हो तो क्लेम सेटलमेंट रेशो जो है वो डिस्प्ले किया हुआ दिखाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पैरामीटर रखा हुआ है 96% एंड अबव। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कंपनी के पास 100 क्लेम आते हैं तो उसमें से 96% क्लेम वो सेटल कर देते हैं। तो अगर आप देखोगे LIC के केस में तो उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है वो 96.69%, जो कि उनके पास जो नंबर ऑफ क्लेम्स आते हैं उस हिसाब से बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ अगर प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से देखोगे तो HDFC लाइफ का जो क्लेम सेटलमेंट रेशो है 99.07, ये भी प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से सबसे बेहतरीन आप क्लेम सेटलमेंट रेशो मान सकते हो। उसके नीचे टाटा AIA का भी बहुत अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशो है, वो है 99.06। नॉर्मली कंपनीज क्लेम सेटलमेंट रेशो को बहुत ही अच्छा रखना चाहती है ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उनके पास अट्रैक्ट हो क्लेम सेटलमेंट रेशो। नेक्स्ट पैरामीटर को देखेंगे, नेक्स्ट पैरामीटर है क्लेम सेटलमेंट अमाउंट रेशो। क्लेम सेटलमेंट अमाउंट रेशो और क्लेम सेटलमेंट रेशो ये अलग अलग हो सकते हैं, तो ऐसा क्यों। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, LIC ऑफ इंडिया अगर 11 क्लेम LIC ऑफ इंडिया के पास आ जाते हैं उसमें से वो 10 क्लेम सेटल कर देते हैं,
बट मान लो 10 क्लेम जो उन्होंने सेटल किए हैं उनका जो टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम सेटलमेंट अमाउंट है वो 1 करोड़ है, और जो बचा हुआ जो एक क्लेम था जो उन्होंने रिजेक्ट किया उसका अगर क्लेम सेटलमेंट अमाउंट 50 लाख है तो वो बहुत बड़ा गैप आ जाता है। तो हम लोग क्लेम सेटलमेंट रेशियो के हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते कि कंपनी ने एग्जैक्टली अमाउंट कितना पे आउट किया है। तो क्लेम सेटलमेंट अमाउंट रेशो को देखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि क्लेम सेटलमेंट रेशो को देखना। तो अभी हम लोग क्लेम सेटलमेंट अमाउंट रेशो को देखेंगे पैरामीटर के बेस पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे पैरामीटर लिया हुआ है 92.5% का, मतलब कंपनी जो है वो 100 करोड़ के क्लेम के पीछे एटलीस्ट 92.5 लाख का क्लेम सेटल कर रही है। तो यहाँ पे LIC ऑफ इंडिया को हम लोग देखेंगे तो LIC ऑफ इंडिया का क्लेम सेटलमेंट अमाउंट रेशियो है 93.43%, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके साथ साथ HDFC लाइफ का जो है क्लेम सेटलमेंट अमाउंट रेशियो है वो है 92.5, तो ये भी अपने पैरामीटर को मीट करता है। और तीसरा जो है टाटा, टाटा के साथ तो आता ही है भरोसा, तो टाटा भी अब ये हम लोग देखेंगे तो टाटा का बहुत ही अच्छा सेटलमेंट रेशियो है क्लेम अमाउंट, जो कि है 95.91%, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो अभी हम लोगों ने 2 इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स को देख लिए, क्लेम सेटलमेंट रेशियो और क्लेम सेटलमेंट अमाउंट रेशियो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कुछ क्लेम्स ऐसे हो जिसके ऊपर कोई भी अब तक रिजल्ट आया नहीं हो और वो जो ऐसे क्लेम्स हो जो इन प्रोसेस हो, तो इसके लिए हम लोग को क्लेम रिजेक्शन रेशियो भी देखना इम्पोर्टेंट है कि कंपनी ने कितने क्लेम्स है जिनको रिजेक्ट किया हुआ है। तो अभी इसके लिए हम लोग पैरामीटर लेंगे 1%। तो जिस कंपनी ने भी क्लेम जो है 1% से नीचे रिजेक्ट किए हुए हैं उस कंपनी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो LIC ऑफ इंडिया ने 2019-20 के अंदर 0.81% ऑफ जो क्लेम्स है उनको रिजेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे आता है HDFC लाइफ, तो HDFC लाइफ का जो क्लेम रिजेक्शन रेशो है वो बहुत ही कम है, जो कि है 0.43%। और ऐसा देखा गया है कि प्रीवियस ईयर में तो वो इससे भी ज़्यादा था, बट ये ईयर में वो लोगों ने और इम्प्रूवमेंट दिखा के इससे भी कम पे लेके आया है, जो कि है 0.43%। उसके बाद है टाटा AIA, और उनका भी रेशो बहुत ही अच्छा है रिजेक्शन के मामले में, जो कि है 1% के नीचे 0.94%। तो जैसे कि मैंने बोला ये रेशो भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग को क्लेम सेटलमेंट रेशो के अंदर पता नहीं चल पाता कि कौन से क्लेम ऑन गोइंग है जिनका अब तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया हुआ है और जो सेटल नहीं हुए हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्लेम सेटलमेंट रेशो के अंदर देखा था कि सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशो के ऊपर हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, हम लोग को क्लेम सेटलमेंट अमाउंट भी देखना है। सेम चीज़ क्लेम रिजेक्शन रेशो के अंदर भी अप्लाई होती है, हम लोग को क्लेम रिजेक्शन अमाउंट के ऊपर भी देखना होता है। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे होगे, आपको क्लियर डिफरेंस दिख रहा है क्लेम रिजेक्शन रेशो और क्लेम रिजेक्शन अमाउंट के अंदर। HDFC का जो क्लेम रिजेक्शन रेशो था वो 0.41 था, बट जैसे ही आप क्लेम रिजेक्शन अमाउंट के ऊपर आ जाते हो तो जो रेशो है वो 3.2 के ऊपर निकल जाता है। तो आप समझ सकते हो कि भले ही वो क्लेम कम रिजेक्ट करे बट अमाउंट जो है रिजेक्शन का वो ज़्यादा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे LIC ऑफ इंडिया क्लियर विन दिख रहा है, उनका क्लेम रिजेक्शन अमाउंट रेशो जो है 1.5% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ टाटा का भी जो अमाउंट रिजेक्शन रेशो है वो 4% है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पैरामीटर रखा हुआ है 4% का, तो ये तीनों कंपनीज इस पैरामीटर को तो मैच कर रही है। तो इस हिसाब से मैंने तीन कंपनी को इस पैरामीटर के अंदर भी अप्रूव कर दिया है। तो जैसे ही मैं वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा होगा तो अब बहुत से लोगों ने सोचा होगा, अरे इसमें तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी तो मिसिंग है। तो क्यों मिसिंग है वो आपको अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। ये सेम डेटा जो मैंने IRDAI के वेबसाइट से लिया हुआ है, इन कंपनीज का डेटा भी मैंने उसी रिपोर्ट में से लिया हुआ है। तो मैंने जो पैरामीटर सेट किए थे उस पैरामीटर्स के अंदर ये कंपनीज फिट नहीं हो पाए। तो आप इस डेटा को देख सकते हो, आप के हिसाब से आपको जो कंपनी अच्छी लगती है उसका डेटा आप देख सकते हो 2019-20 के रिपोर्ट के हिसाब से। जो मैंने मेरे हिसाब से पैरामीटर सेट किया हुए है उसके अंदर वो फिट नहीं बैठ रहे। तो अगर आपके हिसाब से कुछ पैरामीटर आपको एडजस्ट कर सकते हो आप, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। जैसे कि मैक्स लाइफ बहुत बड़ा कंपनी है, ICICI का भी, ICICI प्रोडेंशियल भी बहुत बड़ा लाइफ इंश्योरेंस का कंपनी है। तो अगर आप कुछ बेसिस पे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो
तो आप इन कंपनीज को भी चूज कर सकते हो। तो आप डेटा देख सकते हो और आपके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपको इन कंपनी से भी किसी में से आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना है। बट मेरे पैरामीटर के हिसाब से जो कंपनी फिट बैठी उसका डेटा मैंने आपको स्पेशली दिखाया, तो आप एक बार इसको देख लो, आप इनसे भी इनमें से भी किसी कंपनी को चूज कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो ये तीन टॉप कंपनीज है। फर्स्ट नंबर पे तो क्लियर कट मेरे हिसाब से LIC ऑफ इंडिया ही आती है। हालांकि LIC ऑफ इंडिया के पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, बहुत पहले से ऑपरेट कर रही है इंडिया के अंदर। बट LIC ऑफ इंडिया के अंदर एक ही थोड़ा सा डिसएडवांटेज मुझे लगता है कि इनका जो प्रीमियम अमाउंट रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपको LIC का टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो इनका प्रीमियम अमाउंट आपको शायद थोड़ा ज़्यादा देना पड़े। तो सेकंड नंबर पे HDFC आती है, प्राइवेट सेक्टर की बहुत बड़ी लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी है। और आपने पहले ही देखा इनका जो रिजेक्शन रेशियो हुआ या फिर क्लेम सेटलमेंट रेशियो हुआ बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप ज़्यादा क्लेम प्रीमियम ज़्यादा प्रीमियम नहीं पे करना चाहते तो आप HDFC लाइफ के तरफ भी जा सकते हो। और थर्ड नंबर पे जो है टाटा अपनी आती है, टाटा AIA। हालांकि टाटा इस सेक्टर में या फिर इंश्योरेंस के सेक्टर में थोड़ी नई है लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में, बट जो टाटा के साथ भरोसा आता है टाटा का या फिर लोगों का उनके ऊपर फेथ है या फिर ट्रस्ट है, तो उस बेस पे आप टाटा के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। जनरली अभी देखा गया है कि टाटा का जो प्रीमियम है जो वो लाइफ इंश्योरेंस के इसमें सबसे कम है। तो अगर आप को करना है कॉम्बिनेशन तो आप कॉम्बिनेशन करके भी ले सकते हो। आपको ज़्यादा प्रीमियम नहीं हो रहा है तो आप LIC का कवर ले लो आधा, और आधा प्राइवेट किसी इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हो। मैंने पर्सनली ऐसे ही किया हुआ है, मैंने LIC से 50 लाख का कवर लिया हुआ है और HDFC से 50 लाख का कवर लिया हुआ है। तो आप भी वैसे ही प्लान के लिए ऑप्ट कर सकते हो। तो आई होप मैंने जो आपको इस वीडियो में डिटेल्स बताई है, जो भी डेटा का हम लोगों ने एनालिसिस किया है, और डेटा जो है मैंने पहले ही बताया IRDAI की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं रखना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे दिए हुए लिंक से डेटा को वेरीफाई कर सकते हो, और आप मेरे दिए हुए सजेशन के हिसाब से आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर मैंने जो लास्ट स्लाइड में अदर कंपनीज का भी जो डेटा प्रेजेंट किया हुआ है उसको देख के भी आपका लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हो। बट लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, और इस पैंडमिक के बाद तो आपको डिसाइड कर ही देना चाहिए कि एक लाइफ इंश्योरेंस हर एक के पास होना चाहिए। अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं है तो यू नेवर नो कि आपके लाइफ में क्या हो जाए और आपको फैमिली को क्या फेस करना पड़े। सो आई होप आपको मैंने बहुत अच्छी जानकारी दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर करो, ताकि उनको भी इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल सके। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। Thank you very much for watching.